जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो बिहार में TRE 2 आने वाला है उसके बारे में, और जो अभी अभी भर्ती बहाली हुई है TRE 1 का, उसका कट ऑफ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहले कट ऑफ शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का कट ऑफ क्या है, जो सामान्य का गया है, ठीक है, जो सामान्य का गया है बॉयज़ का वो 67 गया है, और सामान्य फीमेल में जो गया है 57। EWS सामान्य अगर बॉयज़ की बात करें तो 56 गया है, और EWS फीमेल की बात करें तो 48 गया है, ठीक है। और EBC 55, ये सामान्य में बता रही हूँ, ठीक है। और EBC फीमेल 44, BC 60, और BCF 50, SC 47, SCF, F का मतलब फीमेल है यहाँ पे 39, ST 46, HTF 39, और BCL 48, ठीक है। इसी तक उर्दू में देखा जाए तो UR 54, URF 40, EWS 48, EWSF 39, EBC 47, EBCF 39, BC 44, BCF 39, SC 39, SCF not available, ओके। ST 43, STF not available, BCL not available। फिर बांग्ला में अगर बात करूँ तो 42 UR, 47 URF, और EWS not available, EWSF not available, EBC 43, EBCF 40, BC 45, BCF 41, SC 39, SCF not available। इसके बाद सब not available है, SC, SCF, SC तो 39 है, लेकिन SCF, ST, STF, BCL ये not available है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का पूरा ये कट ऑफ बता दिया गया है कि कितना, चलिए कम से कम कट ऑफ तो आया। ऐसे थोड़ी ना कोई रिजल्ट निकाल देता बिना कट ऑफ वगैरह जारी किए, चलिए लेट आए फिर भी आया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये, और देख लिए प्लस टू के लिए, ठीक है, प्लस टू के लिए आपका है शिक्षक नियुक्ति दूसरा चरण, प्लस टू के लिए 37,710, ठीक है, और कक्षा 6 से 8 के लिए 31,982 रिक्त पद की बहाली फिर से दूसरा चरण आने वाला है, ठीक है। तो इस ये तो मैंने प्राइमरी का बताया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक का। तो हिंदी में देखिए UR का 55 गया है, URF नॉट अवेलेबल, EWS 48, 39, EWSF, EBC 41, EBCF 39, BC 47, BCF नॉट अवेलेबल, SC 39 और SCF नॉट अवेलेबल, ST 44 और STF नॉट अवेलेबल, BCL 42। इस तरीके से ये सारा कट ऑफ आप देख सकते हैं। फिर उर्दू का है, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान। देखिए मैं कितना पढ़ के सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा है। फिर देख ले माध्यमिक के 3 विषय में केवल अनारक्षित का कट ऑफ जारी, बांग्ला, अरबी और फारसी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके देख लीजिएगा। यहाँ पे उच्च माध्यमिक का देखिए कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, जूलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस और इतिहास, इन सबका ये कट ऑफ बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक के 19 विषय में केवल अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ जारी हुआ है, ठीक है। इस तरीके से CM नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 2 नवंबर को 25,009 नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, और शेष 95,036 जो नव नियुक्त शिक्षक को जिला मुख्यालय में ही उसी दिन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो 2 नवंबर को 25,000 शिक्षकों को मिलेगा, और 2 ही नवंबर को जो 95,036 शिक्षक बच रहे हैं उनको जिला मुख्यालय में दिया जाएगा। एक अच्छा जी का ये ट्वीट है जिसका, चलिए मैं मतलब समझाती हूँ। ये आज के 26 अक्टूबर 6:30 बजे का एक ट्वीट है, देख लीजिए क्या है इसमें। स्टडीज सम TRE CS कैंडिडेट मेट मी एंड कंप्लेन डेट आउटसाइडर्स हैड फ्रॉडेंटली ऑब्टेन एस्टेट 2019 सर्टिफिकेट ऑन आस्किंग दे चेक एस्टेट 2019 एडवर्टीजमेंट एंड फाउंड इट वॉज मेड फॉर रेसिडेंट्स ऑफ बिहार एंड नॉट परमानेंट रेसिडेंट दे न्यू इट्स डिफरेंस एंड सो लेफ्ट पीसफुली। इनका कहने का मतलब है कि एस्टडी जो मतलब बीत गया कल उस पर कुछ TRE कैंडिडेट जो है इनसे मिले और कंप्लेन किए कि कुछ आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से क्या किया है, ऑप्टेन कर लिया है 2019 एस्टेट का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि दे चेक और वे चेक किए एस्टेट 2019 का जो एडवर्टीजमेंट है, और उसमें जब इन लोगों ने चेक किया एडवर्टीजमेंट तो उसमें ये पाया कि इन्होंने कहा है कि बिहार का निवासी होना चाहिए, ना कि बिहार का परमानेंट निवासी या मूल निवासी नहीं होना चाहिए, हमने बस बिहार का निवासी कहा है, परमानेंट मूल निवासी नहीं कहा है कोई। कि आपके परमानेंट आप समझ रहे होंगे कि मतलब मूल निवासी का मतलब यही है कि जो हमेशा से उसके जब बाबा पर दादा ऐसे ऐसे सब लोग चले आए हैं, और निवासी का मतलब कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाइए 5 साल तक आप रह लिए हैं तो आप वहाँ का सामान्य निवास पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से उनके पास सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, तो बस यहाँ पर रेसिडेंट माना गया है ना कि परमानेंट वाला। तो इस तरीके से उन लोगों ने इसके डिफरेंस को समझा और वो पीसफुली चले गए, छोड़ दिए जो भी है मतलब वहाँ से चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि
कई लोग डोमिसाइल वगैरह को लेके काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को समझा दूंगी आप लोगों को, इनके मेल का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कि डोमिसाइल का मतलब यहाँ पे इन्होंने बस बिहार में रहना होना चाहिए कि आप यहाँ की निवासी हैं, 5 साल आपको सर्टिफिकेट है, ना कि मूल निवासी, ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।